नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। फिर लाओ खबर के पीछे की खबर। खबर ये है, हाल ही में तीन हिंदी भाषी राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उसमें पिछड़े, ओबीसी और ग्रामीण मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस के हाथ में सत्ता सौंपी। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो निमाड़ क्षेत्र जो किसानी के लिए जाना जाता है, वहाँ 27 सीटें भाजपा ने खोई। मालवा, जहाँ से किसान आंदोलन शुरू हुआ और जो भाजपा का गढ़ था, वहाँ भी बहुत बड़ा छेद भाजपा को हो गया। ट्राइबल जिलों में मध्य प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। पिछले विधानसभा में कांग्रेस के पास एससी एसटी की मात्र 4 सीटें थी, वो बढ़कर 17 हो गई। राजस्थान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ था ढूंढाड़ मारवाड़ क्षेत्र, वहाँ भाजपा ने 60 सीटें हारी। एससी एसटी की 31 सीटें कांग्रेस ने जीती। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 42 सीटें कांग्रेस ने जीती। ओबीसी मतदाताओं को यदि देखें तो 35 ओबीसी बहुल क्षेत्र में कांग्रेस ने विजय हासिल की। एससी एसटी की 10 सीटें छत्तीसगढ़ में थी, उसमें से 9 कांग्रेस के पास आ गई। कुल मिलाकर पिछड़े, ओबीसी, किसान और ग्रामीण मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया। खबर के पीछे की खबर यह है, इन तीनों राज्यों में यदि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो तो वो ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ों के लिए और ओबीसी के लिए किया था। उन्हें मकान बनवा के दिए, वहां टॉयलेट्स बनवाए, ग्रामीण क्षेत्र में रोड बनवाए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शंस भी मुहैया करवाए। लेकिन भाजपा ये भूल गई कि एक अच्छे मकान में आप किसी को गैस का स्टोव भी दे दो, लेकिन उसके ऊपर पकाने के लिए उसके पास पैसा न हो तो पकाएगा क्या, खाएगा क्या और फिर टॉयलेट का उपयोग करेगा कब। यदि हम डाटा की बात करें, जब मोदी सरकार इस देश में आई थी तो इस देश में 10,53,210 घर ग्रामीण और पिछड़ों के लिए बनाए गए थे। 2017-18 में यह आंकड़ा 44,45,690 घरों का है, यानी 4 गुना ज्यादा घर प्रति वर्ष सरकार गरीबों के लिए बना रही थी। 2014 में सरकार ने 27,357 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में रोड बनाए। 2018 में यह आंकड़ा 48,742 किलोमीटर प्रति वर्ष का है। किसान के उपज की कीमत में 2014 में जो 12.5% का उछाल था, वह 2018 में मात्र 2% पे आ गया। ग्रामीण, पिछड़े और ओबीसी में जो उनकी रोज की कमाई थी, उसमें 7% का उछाल 2014 में था, वह 2018 में 5% रह गया। यानी ये आंकड़े बताते हैं कि सुविधा तो बढ़ गई लेकिन आपकी कमाई घट गई। नोटबंदी और जीएसटी के चलते ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी की कमाई घट गई, जिसके वजह से सरकार से नाराजगी व्यक्त करने के लिए इन तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता से बाहर किया। यह खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।